जरूर इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया बहुत कुछ कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप चलाना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, क्या सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलेगा और सर्किट के कुछ भी आपको सप्लाई के बारे में भी बहुत बताया। बिटमैप क्या होता है, आपको स्कीमेटिक कैसा होता है, एक आपको बताया कि अगर आपके पीसीबी में शॉर्टिंग हो और आपने कैपेसिटर निकालने के बाद भी शॉर्ट जा रहा हो तो कैसे ढूंढें, ये सब कुछ आपको बताया इस वीडियो में। तो देखिएगा जरूर और इस वीडियो को पूरा और ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो बेहतर फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवट नगरवाल और आप देख रहे हैं ऐसे टेलीकॉम, आपका ही चैनल दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेट की, और कॉम्बिनेट अब कॉम्बिनेट नहीं प्रो हो चुका है और बहुत पहले भी ये प्रो हो गया था, बट अभी इसने अपने वर्जन को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। एक बिग अपडेट के साथ में कॉम्बिनेट प्रो टूल आ चुका है। तो आज हम पहली बार देखेंगे इंडिया में, इंडिया के अंदर हिंदी में इसका पूरा रिव्यू, कैसे कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, उसकी लिंक भी मैं आपको दूंगा, और उसका ट्रायल वर्जन आप 3 दिन इसको फ्री चला सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि वाकई में कॉम्बिनेट प्रो टूल आपके लिए अच्छा है या नहीं। पर मेरे हिसाब से अगर मैं तुलना करूँ औरों के हिसाब से, तो कॉम्बिनेट प्रो टूल काफ़ी अच्छा अपने आपको अपडेट कर चुका है दोस्तों, काफ़ी हद तक वो बहुत बेस्ट बन चुका है। अगर किसी ने अब तक कोई एक मोबाइल स्कीमेटिक हार्डवेयर टूल परचेस नहीं किया है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आज आप परचेस करें कॉम्बिनेट प्रो टूल, जो कि इनके जो मेन ऑनर है वो है मिस्टर विक्टर, जो इनके अगर हम बात करें एडिटर हैं, जिन्होंने इनको क्रिएट किया, क्रिएटर है जो इनके, वो है मिस्टर विक्टर। सो मैं मिस्टर विक्टर को सलाम करता हूँ, और ये इंडोनेशिया के हैं, और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इतना अच्छा टूल मार्केट में लेकर आए हैं। पहले इन्होंने कॉम्बिनेट लेकर आए, फिर उसके बाद कॉम्बिनेट प्रो, उसके बाद कॉम्बिनेट लाइट, अब इसके बाद फाइनली अब इनका एक प्रोडक्ट आ चुका है कॉम्बिनेट प्रो वर्जन के साथ में, और ये बिल्कुल बहुत इजी है, और इसको पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरे एंड तक देखिएगा, बने रहे मेरे साथ और देखिए नई नई चीज़ें मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कॉम्बिनेट प्रो टूल की, तो सबसे पहली बात लिंक कहाँ से मिलेगी आपको, तो देखो एक लिंक तो मैं आपको अपनी फेसबुक की दे देता हूँ, ये हमारे फेसबुक ऑफिशियल चैनल की लिंक है, और आप इस लिंक पे आप जाइएगा यहाँ पर, तो ये आपको हमारा इस तरह का पेज मिलेगा, और ये पेज देखने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट आपको हमारे जो पोस्ट मिलेगी वो हमारे इस फेसबुक पोस्ट में आपको यहाँ पर कॉम्बिनेट सेटअप लिंक की आपको पोस्ट मिलेगी, आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और एक फेसबुक पोस्ट और मैंने अभी अपलोड की है इसमें, तो वो भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। मैं फोरम की लिंक दोस्तों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार दिक्कत ये होती है कि वो फोरम की लिंक देने के बाद में वो लिंकें काम करना बंद कर देती हैं, इसलिए अपनी लिंकें दे रहे हैं खुद की। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये देखिए कॉम्बिनेट प्रो, आप यहाँ पर जा सकते हैं मेरी फेसबुक के, और यहाँ पर फोरम लिंक आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मैं नीचे कमेंट पे भी एक लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो नीचे कमेंट से भी लिंक निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये है कॉम्बिनेट प्रो टूल, सबसे पहले सेटअप के लिए हम इसको स्टेप टू स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि बेसिकली हम इसको कैसे डाउनलोड करें। तो पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, तो क्योंकि मैं इसमें है ना कुछ मोबाइल रिपेयरिंग टूल के भी आपको आइडियाज़ और कुछ आपको है ना ट्रेनिंग दूंगा, हो सकता है आपको मज़ा आए और कुछ सीखने को मिले कि कैसे काम करता है आपका सर्किट। सो यहाँ पे कॉम्बिनेट सेटअप आपको दिख रहा है .msi, यहाँ पर आपको उसका फॉर्म दिख रहा है, फॉर्मेट जिसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर विंडो इंस्टॉलर, और आप यहाँ देखेंगे GSM डेवलपर की एक फोरम्स है, और यहाँ से यहाँ से लिखा हुआ है अपलोड न्यू .exe फाइनली लिंक, जो कि लॉन्च हुआ है 28/4/2021, मतलब आज की डेट पर। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे आपको डाउनलोड वर्जन 1, डाउनलोड 2 वर्जन दोनों मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटअप मिल रहे हैं, तो चलिए और फोटोज़ मिल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पे आपको फोटोज़ देखने को मिल रहे हैं, तो उन फोटोज़ को तो मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये आपके डाउनलोड वर्जन में आ जाता है, आपको इसको करना है डाउनलोड। आप करेंगे डाउनलोड तो ये गूगल का इस तरह का पेज आ जाएगा आपको, और गूगल के पेज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 27 MB का ये एक सेटअप है,
आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। देखिए जैसे मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, ये मुझे डाउनलोड हो गया है। मैं इसको पॉज कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। पॉइंट सेकेंड में भी मेरा 6.9 MB डाउनलोड भी हो गया है। अच्छी स्पीड मुझे अभी मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ और भी डाउनलोड होगा, दो तीन बार क्लिक हो चुके हैं। तो देखिए आपको इसको कैसे मैं इसको अनजिप करता हूँ। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा दोस्तों, और मेरे में है 7 ZIP इंस्टॉल, तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको 7 ZIP को करूँगा यहाँ से डीकम्प्रेस, और स्ट्रैक टू कॉम्प्रेस सेटअप में क्लिक करूँगा, और ये इस पर स्ट्रैक हो जाएगा। यहाँ आपको कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये स्ट्रैक हो रहा है यहाँ पर। बहुत माइनर एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बहुत बड़ा 100 MB का भी नहीं है, और उसके बड़ा और आपका बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा। एक छोटा सा सेटअप है और बहुत सारा काम आपको देगा, बहुत सारा आपको सॉल्यूशंस आपको देगा हार्डवेयर में। तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, मैं यस टू ऑल कर दूंगा उसके बाद भी। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और आपको देखो यही चीज़ होती है दोस्तों, शॉर्ट में बताई हुई चीज़ समझ में तो आती है, बट आगे बहुत सारी चीज़ें को कंफ्यूजन क्रिएट करती है बड़ी। यही चीज़ अगर तो भी लंबी होती तो बहुत सारे डिटेलिंग इसमें मिल जाती है, और बारीक से बारीक डिटेलिंग से अच्छा नॉलेज बनता है। सो ये हमारा डीकम्प्रेस हो चुका है। तो इस तरह का आपको सेटअप मिल जाएगा। आपको कॉम्बिनेट प्रो का सेटअप को रन करना है दोस्तों। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें हार्डवेयर आईडी, किसी प्रकार की हार्डवेयर आईडी नहीं है। मतलब हार्डवेयर आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं और आपने अपने सिस्टम को फॉर्मेट किया, उसके बाद आप इसको वापस इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपकी सेम पासवर्ड आईडी के साथ नहीं चलेगा। या मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप में इंस्टॉल किया, तो मैं दूसरे लैपटॉप में चलाना चाहूँ, तो वो सेम पासवर्ड आईडी के साथ नहीं चलेगा। यहाँ चल जाएगा दोस्तों, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, इसको करेंगे नेक्स्ट, और ये ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल है, तो मैं तो भाई यहाँ पर मॉडिफाई में क्लिक करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। बहुत छोटा सा, देखो मैं फिर से आपको इंस्टॉल करते दिखा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे में प्री इंस्टॉल है जो कि मैंने आज ही किया है। और यहां पर ये मेरा सेटअप हो जाता है इंस्टॉल, और यहां पर मेरे पास इस तरह से इसका बन जाता है आइकन। मैं आपको आइकन दिखा देता हूं, ये देखिए। तो ये इसका आइकन है कॉम्बिनेट प्रो का। आपने कॉम्बिनेट प्रो को ओपन करना है। ये एक ऑनलाइन सेटअप है, ये ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको ऑफलाइन चलाने की कोशिश मत करें। तो कॉम्बिनेट स्कीमेटिक बिट मैप जो कि अभी अपडेट होगा, उसके बाद इसमें ऐड होगा हार्डवेयर सॉल्यूशन, जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये है वर्जन 2.07787 के साथ में, मतलब देखा जाए तो वर्जन 2 मानेंगे हम इसको। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आपको देखिए मेरी ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पासवर्ड, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको हाइड किया हुआ है। बट आपको यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो आप उसको है ना रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी अपना यूजर नेम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कैसे, जैसे मैंने लिखा हीरो नंबर 1, ईमेल लिखा मैंने हीरो नंबर 1 @gmail.com, और पासवर्ड लिख दिया मैंने हीरो नंबर 1, और टोकन कोड दोस्तों टोकन कोड क्या है, टोकन अगर आप इसको परचेस करते हैं, आपको नीचे मैं ZX मलिक का नंबर दे दूंगा, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। कॉम्रेड प्रो के टूल के ऑनर का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। कहीं से भी परचेस करें इसको, अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको टोकन कोड मिलेगा परचेसिंग टाइम पे। तो आपको वो टोकन कोड, वो कुछ नंबर, कुछ डिटेल, जो की आपको मिलेगी, वो की आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसको रजिस्टर पे टिक करना है। बट अगर आप उसके पास, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप चलाए ट्रायल वर्जन पे, तो आप यहाँ पर टोकन कोड को रखें MPT, मतलब इसको कुछ मत करें और सीधे रजिस्टर कर दें, तो ये आपका ट्रायल वर्जन पे 3 दिन के लिए चालू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पे चले जाता हूँ, और अपना इसको, फिर जब आप इसको एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली डन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको केवल और केवल ईमेल आईडी देनी है, और आपको देना है आपका पासवर्ड, और आप रिमेंबर में टिक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बार बार आप जब इसको खोलें तो आपको बार बार ये डालने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम इसको लॉगिन करेंगे। तो ये ओपन हो चुका है कॉम्बिनेट का नया, कुछ इस तरह का लुकआउट है यहाँ पर, बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, और काफ़ी कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा आपको। मिलेगा यहाँ पर हमारा
लोगो जो कि इस टेलीकॉम का होगा ऑफिशियली एक प्रेगम एफएक्स इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के बाद अब दूसरा एक कॉम्युनिटी पूर्व में आ गए हैं हम एसर टेलीकॉम, जो कि हम आपको बताने वाले हैं देश का सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो कि एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के साथ में कोलैप्स किया हुआ है, जिन्होंने मिलेगा आपको आगे देखने को। चलिए अब मैं बात करूं यहां पर तो आपको दो टैब आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको स्कीमेटिक का और एक मिलेगा लेआउट का। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमेटिक की। ये है कॉम्युनिटी प्रो का मेन होम वर्जन। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ईयर $20 दोस्तों यहां पर इसका प्राइस रखा हो गया है, मतलब आपको यहां पर दो अकाउंट परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक अकाउंट से इसको आप चला सकते हैं। और कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है और अपडेट, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे अपडेट को देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये है मेरे सर्किट डायग्राम, जैसे मुझे यहाँ पर सर्किट डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। जैसे Xiaomi की बात करेंगे तो कि Xiaomi कुछ ऐसे रनिंग मोबाइल जो हमारे मोबाइल फ़ोन में मार्केट में चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं Xiaomi के Note 8 Pro तक, हालांकि अभी हर जगह अपडेट डले हुए हैं, पर यहाँ पर Note 9 Pro तो ये भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेआउट, आपको लेआउट मिलेगा। आप लेआउट को ओपन करेंगे तो देखिए खुलने की जो स्पीड होगी वो आपके इंटरनेट पे निर्भर करेगी। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो वाकई में बहुत अच्छी खुलेगी। यहाँ पे कोई बग्स नहीं है कि बार बार आपको कोई एरर देगी जैसे पहले कॉम्युनिटी में मिलता था, या सर्वर का कि ओपन ही नहीं होता है सर, सेटअप ही नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर कॉम्युनिटी का लेआउट ओपन होगा और लेआउट ओपन होने के बाद फिर यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि ये देखिए ये लेआउट ओपन हो गया यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर इसका डायग्राम ओपन कर देते हैं और कुछ देखते हैं डायग्राम की बेसिक बातें भाई कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। अगर आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं रिपेयरिंग के लिए, अच्छा भविष्य के लिए, तो दोस्तों इतना है कि आपको इतने लेवल पे हम तैयार कर देंगे कि मार्केट में मचा दोगे धूम। पर यहाँ पर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे की क्लास अटेंड करना आसान बात नहीं है। और 12 घंटे की क्लास वही अटेंड कर सकता है जो ये समझता हो कि मुझे सीखना है। और सोचो कि हमारे पास कितना कॉन्टेंट है यार, 12 घंटे ऐसे तो खाली बिठाते नहीं है कि आ गए बैठ गए और ये डेड मोबाइल दे दिया और बस कुछ भी कर रहे हैं। 12 कुछ ना कुछ तो सोचो कि कितना कंटेंट आपको मिलेगा इसे टेलीकॉम में। तभी तो कहते हैं कि लोग एक दिन करवाते हैं ब्लैक पेस्टेड, हम 9 दिन लगातार ब्लैक पेस्टेड। एक आदमी का हैंड स्किल इतना कोशिश करते हैं कि बन जाए कि यहाँ से जाकर सीधे एक कस्टमर के साइड पर काम करने को वो उसको हम बना दें, तो कोशिश तो हमारी यही रहती है। बाकी सर तो दो पावर देखने को मिलेगा, PMI-632 का वर्जन 9 के साथ में आपको एक पावर मिलेगा, मेन पावर PM-4250। और यहाँ पे आपको देखने को मिला है ऑडियो IC और उसके साथ में यहाँ पे मिला है आपको नेटवर्क की IC और आपके कुछ FEM IC के साथ। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो Wi-Fi IC, यहाँ पर LCD मॉड्यूल, टच कंट्रोलर, आप देखेंगे कि SM के साथ में यहाँ पर इन्होंने क्योंकि ऑडियो दिया हुआ है, वैसे ही इन्होंने एक SM लगाया हुआ था सैमसंग M40 पर, जिन्होंने ऑडियो डाल दिया था CPU के अंदर। मतलब देखा होगा माइक भी आपका काम नहीं कर रहा है तो रिवॉल्व करना पड़ेगा CPU तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका सर्किट है। सपोज़ मेरे पास कोई कंपनी, ये क्यों ज़रूरत है चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन आता है और सपोज़ मुझे यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है, ये मुझे शॉर्ट मिलता है, तो ये कैपेसिटर को मैं इसको निकालने के बाद भी ये लाइन अगर मुझे शॉर्ट मिल रही है, तो यहाँ पर मैं इसके डायग्राम में जाकर इसको यहाँ पर Ctrl+V दबाऊंगा ताकि ये कैपेसिटर यहाँ पर मेरा पेस्ट हो जाए और उसके बाद इसको फाइंड आउट करूँगा। फाइंड आउट करने के बाद मुझे वो कैपेसिटर यहाँ मिलेगा, तो मैं फिर से फाइंड आउट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जूम आउट में मिला था। ये देखिए तो ये कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, ये जो लाइन है ये है आपकी डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई, जो कि है LCD बैकलाइट, LED कैथोड की सप्लाई, मतलब आपका LCD बैकलाइट कैथोड की सप्लाई आपकी ग्राउंड हो चुकी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जिसमें आनी चाहिए एक 300-900 ओम्स के रेजिस्टेंस की मान और उसके साथ 0.6 वोल्टेज जो कि एक चालू हैंडसेट में आना चाहिए, और यही वजह है कि आपका लाइट काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी चीज़ है, ये जो मैं क्या कह रहा था कि ये जो आपको किस तरह से फाइंड आउट करने का है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं अपना स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसकी बात करें यहाँ पर बहुत सारे स्कीमेटिक डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे।
माइक्रोमैक्स का आपको यहाँ पर है, मोटोरोला का, जो कि देखिए अपडेट में मोटोरोला के बहुत सारे मोटो G7, G8, G6 अच्छे एक्स घोस्ट और लूमिया के नंबर, और यहाँ पे ओप्पो के भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओप्पो को भी देखो, Real 1, Real 3 भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सैमसंग तो आप सीरीज़ में मिलती है, तो ए सीरीज़ तो आपको देखो A30, A20, A50, A60, A70 पूरी सीरीज़ यहाँ पर डली हुई है। जे सीरीज़ की भी बात करूँगा तो यहाँ पर जे सीरीज़ भी आपको पूरी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, जो कि यहाँ पर ये देखिए ये भी आपको इसका भी डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक सर्विस मैनुअल ना हो के डायग्राम है। दोस्तों J200 का डायग्राम ना आप ढूंढो, आपको इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो उसका सर्विस मैनुअल, यहाँ पर उसका डायग्राम डाला हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ ELVSS, अगर हम सर्च करें यहाँ पर, तो देखो ये ELVSS मिल गया, तो मतलब ये है इसका डिस्प्ले की सप्लाई, जो कि इसकी ग्राफिक्स की सप्लाई है, जो बनाती है एक AMOLED डिस्प्ले एक सेट के लिए। तो चलिए ये होते हो गया इन सब की बातें, यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम के मैंने कुछ फंडे बताए हैं। अब बात करते हैं लेआउट, लेआउट देखिए दोस्तों वीवो में भी आपको काफ़ी मिल रहा है। जैसे वीवो का हम ओपन करते हैं Y93। अब मान लीजिए लेआउट से जो हमारा बिट मैप होता है उससे हमारा क्या मतलब होता है बिट मैप से, अगर मान लीजिए आपने EMMC निकाली है और इसकी EMMC जो है वो आपका ये वाला पॉइंट आपका अगर निकल गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंटों के साथ मिलकर बना हुआ है, तो हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। जनरली हम चाहें तो यहाँ से माइक्रो जंपर भी कर सकते हैं। बाकी अगर ये वाला पॉइंट निकला ना दोस्तों, तो आप देखिए आपको CPU के ये वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर ये वाले पॉइंट के साथ इसको जंपर मारना पड़ेगा, बट यहाँ पर एक ऊपर सरफेस लेयर भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर नहीं मिली तो आपको एक इंटरनली जंपर मारना मिल सकता पड़ सकता है। सो सेम चीज़ यहाँ पर, अगर पावर IC निकालते समय आपका ये पॉइंट निकल गया तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पर जंपर दे सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली बताता है कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पर ग्रीन कलर की सप्लाई है आपकी सर्किट के सप्लाई, जो मेन सप्लाई है, और जो ब्लू कलर की सप्लाई है दोस्तों वो आपकी NC, और जो ग्रे कलर की सप्लाई है वो है आपका ग्राउंड। तो ये है कॉम्रेड प्रो टूल। तो क्या दोस्तों कैसा लगा कॉम्रेड प्रो टूल, मुझे बताइएगा जरूर इस वीडियो में, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया बहुत कुछ कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप चलाना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, क्या सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और सर्किट के कुछ भी आपको सप्लाई के बारे में भी बहुत बताया, बिट मैप क्या होता है, आपको स्कीमेटिक कैसा होता है, एक आपको बताया कि अगर आपकी PCB में शॉर्टिंग हो और अपने कैपेसिटर निकालने के बाद भी शॉर्ट जा रहा हो तो कैसे ढूंढें, ये सब कुछ आपको बताया इस वीडियो में। तो देखिएगा जरूर और इस वीडियो को पूरा, और ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन करो बेहतर फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।